सियासी बसारता क्या सी जम्मू कश्मीर बड़बार ताजर मगर सियासत दान जम्मू कश्मीर सियासत दान तम खोज या खोज तम जम्मू कश्मीर लीडर सारी तुल पांच अगस्त बुल चोर अगस्त जेल में पुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीम में कह पुरसान सोन लीडर बंद गो सयाल मात फाकन शिकार अगर नीडर सलाहत आ तंजीम सब फायदे पक अगर मजबूर चीफ मिनिस्टर दूरत प्रेजिडेंट दूसर मगर कौंडिस कौन कह दीत नफर खर अत वो मोहम्मद सरताज मकदी साहब तम दोनल प्रेजिडेंट वूनल प्रेजिडेंट बेहे वे वो हा गिन ब्लॉक प्रेजिडेंट तुस पुन नफर इस पार्टी में दो टर्म से ज्यादा कोई प्रेजिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि कल को आप ये कह रहे हो कि जनाब आप भी खानदानी राज करोगे इसलिए अल्ताफ साहब की एक टर्म होगी या दूसरी टर्म में तीसरी टर्म में हो सकता है रियाज साहब का नाम आ जाए हो सकता है मोहम्मद आफरे साहब का नाम आ जाए ये भी अगर फार्म भरना चाहते हैं इनको भी कोई नहीं रोके अल्ताफ बुखारी सोमिस रोपस मेन भाई वो हमें दूसर मजबूत करना सही बात दूसर मजबूत करना हो भी रहा और भी करना पड़ेगा लेकिन इसके साथ साथ ये खाली फयाज साहब की जिम्मेवारी रियाज साहब की जिम्मेवारी रियाज साहब की गुल मोहम्मद साहब की या रशीद साहब की नहीं ये जिम्मेवारी आपकी बनती है क्योंकि नजीर अहमद लाम रुपया शौकत साहब साहब मसरत परेश साहब शशीद साहब तुम सारी मेन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज सम्नु मकसद सानी पार्टी सिकर नेशनल उमर अब्दुल्ला साहब लंदन पेट पढ़ आये जीवन इलेक्शन इलेक्शन तम दो सारी खुद सीनियर अली महमद नायब इन मगर सौ मिनिस्टर बनान के उमर साहब आ बनाने अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत सौ तथ मिनिस्टर ने डिप्टी मिनिस्टर बीजेपी नबर तम्मू कश्मीर पत् क्या गया अगर चे लुको नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखु साथ कांग्रेस दिखु साथ क्या कर मजबूर यूत क्या मजबूर वो कुर्सी बच्चे नम थो डुबले मे बीजेपी सी कर जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी अपनी पार्टी अपनी पार्टी वक्तन फोक्तन हमारे पास आते हो और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हो। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम देवसर में था और बदकिस्मती से वहां लोकेशन हमें सेफ लोकेशन नहीं मिली तो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूसी इंचार्ज या जोनल प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट तो हमने फैसला लिया हम खास खास वर्करों को बुलाएंगे और मीर बाज़ार में आज के जो पार्टी का फाउंडेशन डे है ये यहाँ पर मनाएंगे। तो इसमें हमने हल्के ये बूथ लेवल प्रेसिडेंट ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट और जो अहदेदार थे वो बुलाए आम लोग हमने आज नहीं बुलाए बूथ लेवल प्रेसिडेंट और ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट जो थे यहाँ पर वो हल्का प्रेसिडेंट उनको तो उनको हमने बुलाया। आज का मुद्दा और मकसद हमारा यही है हम पार्टी का फाउंडेशन डे मना रहे हैं ताकि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे और लोगों को एक सच्चाई पता चले कि ये पार्टी वजूद में क्यों आई
किसका मुकाबला करने के लिए आई और हमारा मंशूर क्या है, हम किस लिहाज से इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें बढ़ चढ़ के लोग आजकल हमें साथ दे रहे हैं और एक आवाज़ और निकली आज यहाँ से कि जो अपोषण पार्टियाँ फूट डाल रही थी कि भाई इनमें फूट है, वो उसको मैंडेट मिलेगा, इसको मिलेगा, आज एक आवाज़ निकली यहाँ से जो मेरे भाई फयाज़ साहब ने भी कहा और मैंने भी कही और रियाज साहब ने भी कहा कि मैंडेट जिसको भी मिलेगा इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में अपनी पार्टी का MLA होगा दूसर से। तो उस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए आज से जो भी प्रोग्राम आज के बाद होंगे वो हम ज्वाइंट करते रहेंगे, चाहे वो कोंड में हो, दूसर में हो, जहाँ पर भी पार्टी का प्रोग्राम होगा तो वो आज से हम ज्वाइंट करेंगे और लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाएँगे कि अगर जम्मू कश्मीर को कोई स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाएगा वो अपनी पार्टी होगी, जम्मू कश्मीर को ज़मीन पे अगर कोई ज़मीन का हक जो वापस दिलाएगा वो अपनी पार्टी होगी, और जम्मू कश्मीर की जो जॉब स्कोर पॉलिसी है वो अपनी पार्टी करेगी, क्योंकि उसी मंशूर पे अपनी पार्टी बनी है। यही आवाज़ हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और आज खाली दिवसर में नहीं, DH पुरा में अलग, पहलगाम में अलग, अनंतनाग में 7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ 7 में हो रहा है, कुलगाम में 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ 3 में हो रहा है, और ये कुल बिल जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और आज की जो आवाज़ है वो नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेगी आज की आवाज़ की। अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं और आज का दिन भी जो मनाया वो भी लोगों ने अच्छे तरह बढ़ चढ़ के मनाया।